नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर आक्रोश जताया है। आपको बता दें, ट्वीट कर सभी सरकारों के आदेश पर इस गिरफ्तारी को थोप दिया गया है और इसी के साथ ही बीजेपी सरकार पर हमलावर होते दिखे सपा के कर्मचारी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी वहीं धरने पर बैठ गई है। इस दौरान और समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। पुलिस ने अखिलेश यादव को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में इस वक्त जो इस तरह के हालात हैं, अखिलेश यादव वहां पहुंचना चाह रहे थे और किसानों से मिलकर बातचीत के लिए पहुंचना चाह रहे थे और शोक व्यक्त करने के लिए अखिलेश वहां पहुंच रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस की तरफ से अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में वहां पर लिया गया है। और इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसको लेकर तमाम निशाने साधे गए हैं जो है सरकार की तरफ। और इस दौरान अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर ये ट्वीट जो है सपा के कार्यकर्ताओं ने किया है, दम भी सरकार के आदेश पर गिरफ्तारी, ये ट्वीट किया गया है सपा के कार्यकारियों की तरफ से। और इस दौरान पुलिस ने अखिलेश यादव को अरेस्ट कर लिया है। बताते चलें कि लखीमपुर खीरी जा रहे थे अखिलेश यादव जब उन्हें अरेस्ट किया गया। समाजवादी पार्टी जहां वहीं धरने पर बैठ जाए अखिलेश की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अखिलेश की तरफ से कहा गया है और ट्वीट के जरिए ये बात आगे बढ़ाई गई है कि सपा पार्टी के कार्यकर्ता जो भी हैं, जहां भी हैं, वहीं पर धरने पर बैठ जाएं। बता दें, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर सपा की तरफ से लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं और जो सपा के पार्टी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से लगातार प्रशासन पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने अखिलेश यादव को अरेस्ट कर लिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। मिर्जापुर से एक खबर सामने आ रही है जो लखीमपुर खीरी कांड मामले में जूही सिंह का एक बयान सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकना जघन्य अपराध, जूही सिंह की तरफ से बयान सामने आया। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका गया जिसके ऊपर इस तरह का बयान सामने आया है। साथ ही समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, जूही सिंह की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, सपा के पार्टी कार्यकर्ता लगातार धरने पर बैठ रहे हैं और इस दौरान अब दोषियों पर FIR दर्ज किए जाने को लेकर जूही सिंह ने यह बयान दे डाला है। लखीमपुर कांड मामले पर जूही सिंह का ये बयान सामने आया है जहां उन्होंने प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो किसानों को गाड़ी से रौंद दिया है, इस तरह का आरोप भी सामने आ रहा है लगातार। और केंद्रीय मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग यहां पर उठ रही है जूही सिंह की तरफ से। केंद्रीय मंत्री को पद से हटाए जाने की यहां पर मांग की गई है। और लखीमपुर खीरी कांड मामले पर जूही सिंह का यह बयान सामने आया है जहां पर अब FIR और केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने की मांग लेकर वो बैठी हैं धरने पर। इस दौरान समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, ये भी कहा गया जूही सिंह की तरफ से। लगातार ये बयानबाजियां की जा रही हैं। इस दौरान आपको बता दें, दोषियों पर FIR दर्ज करने को लेकर और केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने को लेकर ये मांग की जा रही है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक ट्वीट सामने आया है जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को किसानों के खिलाफ बताया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार किसानों को कुचल रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि किसानों को कुचलने की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। साथ ही आपको बता दें, किसानों को खत्म करने की राजनीति हो रही है। इस तरह का ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से देखने को मिल रहा है। बीजेपी सरकार किसानों को कुचल रही है। आपको दिखा रहे हैं ये ट्वीट जो है प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं जहां पर वो किसानों के मुद्दे पर अपने भाव व्यक्त कर रही हैं और इस दौरान केंद्र सरकार को लगातार निशाने पर साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में हुई दुर्घटना को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट सामने आया है जहां उन्होंने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है।